पाली भाषा के अंदर जो 16 जनपद आते हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट या 16 जिले आते हैं, उनमें एक जिले का नाम है कुरु। और कुरु जो क्षेत्र है वो दिल्ली और दिल्ली से जो नॉर्थ में ऊपर चलता है हरियाणा पंजाब, ये सारा कुरु क्षेत्र में आता है। कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र बोलते हैं। कुरुक्षेत्र नाम का अब एक जगह बनी है जो बाद में बनी है। कुरुक्षेत्र जो बोलते हैं हरियाणा के अंदर, ये बहुत बाद में शब्द आया है, क्योंकि पाली के अंदर क्षेत्र नहीं होता, शब्द खेत होता है, यानी कुरु का खेत। मगर कुरु तो पूरा प्रदेश था, पूरे प्रदेश को कुरुक्षेत्र बोला करते थे, यानी कुरुक्षेत्र या आज का कुरुक्षेत्र पूरा पूरा ये जनपद जिला रहा है, एक शहर नहीं है जो नया बसा है। कुरुक्षेत्र जो भारत के अंदर है, हरियाणा के अंदर, उसके पीछे एक मेन शहर है, पुराना शहर है, उसको थनेसर बोलते हैं। थनेसर का मतलब है थेराओं का सर, यानी जहां थेरा ही चारों तरफ रह रहते थे, थेरा ही थेरा होते थे, इसको श्री भी बोलते हैं, थेरा श्री। श्री माने मुख्य और हेड होता है। और थेरा आप जानते हैं, थेरा जो भिक्खु होते हैं उनमें थेरावादी का मतलब है, जो परंपरागत भगवान बुद्ध के संघ को चलाने वाले, उनकी एजुकेशन को चलाने वाले लोग हैं, उनको थेरावादी बोलते हैं, स्थिरवादी बोलते हैं, या उनको उसी तरह का जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट की जो स्कल्पचर या प्रैक्टिस करते हैं उसको बोला जाता है। तो हरियाणा नाम कैसे पड़ा? बेसिकली इसका नाम है अरियान, अरियान। अरिय माने जो होता है वो होता है अच्छा। अरिय सच आपने पढ़ा होगा, अरिय माने श्रेष्ठ यानी अच्छे सच। तो ऐसे ही अरिय यान, यान माने होता है रास्ता, यानी कि अरिय सच्चा श्रेष्ठ रास्ता। तो कम्मासपुर जो जगह रही है पूरे पूरे इसमें कुरु प्रदेश के अंदर या कुरु देश के अंदर, वो बहुत कमाल की रही है। कम्मासपुर का एक सूत है भगवान बुद्ध ने दिया है, जिसमें ये बताया था कि कुरु प्रदेश के लोग या जो कुरुक्षेत्र के लोग हैं, कुरु जनपद के लोग हैं, वो 5 सीलों का पालन बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इसलिए उनको निर्वाण प्राप्त करने के लिए, उनको अमरता प्राप्त करने के लिए, अमृत पद प्राप्त करने के लिए, या अमृत चखने के लिए, या अमृत को देखने के लिए, उनको सीधे उन्होंने सती पठान का सूत्र दिया। सती पठान यानी कि इस मति में जो सती है, जानकारी है शरीर की और मन की, जिसे शुद्ध होते हैं, सीधे उसमें प्रतिस्थापित होने का उन्होंने ज्ञान दिया, जिसको महासती पठान भी बोलते हैं और जिसको सती पठान सूत्र भी बोलते हैं। कम्मासपुर के अंदर विपसना सेंटर बना हुआ है, 3 विपसना सेंटर और भी हैं, जो एक सोना के अंदर है, एक करनाल में है और एक रोहतक के अंदर है। नेचर जो था वो बहुत प्रमुख जगह थी। आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको वहां पर एक स्तूप मिलेगा और उस स्तूप के नीचे पूरी एक यूनिवर्सिटी, यानी जो बौद्धों के समय की यूनिवर्सिटी है, वो दबी पड़ी है। मिट्टी डाल के उसको दबा दिया गया, जब धम को खत्म किया गया और जहां गड्ढा बना वहां सरोवर ऑटोमेटिक बन गया, क्योंकि वहां प्राकृतिक कोई सरोवर तो है नहीं। इसलिए वो अगर ISI का वहां बोर्ड लगा हुआ है, अगर उसको उत्खनन करेगी या खोदेगी तो नीचे पूरा पूरा एक सिटी आपको दबा हुआ उसमें मिलेगा। इसके अलावा हतीन में बहुत सारी जगह मिल रही हैं। रानी खेत है जो राखीगढ़ के अंदर बहुत सारी जगह हैं जहां मिली हैं। और एक ऐसी ही जगह है जिसको बोलते हैं चिनेटी, यानी कि यमुनानगर में चिनेटी का स्तूप। मैं 2006 में वहां गया था और 2006 की ये सारी जो पिक्चर है, फोटो है, जो आप लगातार देख रहे हैं, और ये सारी, क्योंकि उस समय ये स्तूप जो था बहुत ऐसे ही कच्चा पड़ा हुआ था। इसका साइज लगभग 8 मीटर, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, 8 मीटर से भी ज्यादा इसकी ऊंचाई है, और 20 मीटर इसका डाया है, यानी ये 20 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर से ये ऊपर रहा है। इसके जो ईंट का साइज है वो 30x30x7 सेंटीमीटर का है, या 30x15x7 सेंटीमीटर का है, यानी कि 30 सेंटीमीटर चौड़ी है और 30 सेंटीमीटर लंबी है और 7 सेंटीमीटर मोटी है जो ईंटें हैं, जो चित्र में आप देख रहे हो। और साथ ही इसमें जो कमल है, क्योंकि कमल भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, तो कमल की जितनी भी इसमें नक्काशी पत्थरों पर, वो यहाँ टुकड़ों में, क्योंकि उस समय हमने फोटोग्राफी की थी, तो वो यहाँ दिखाई दे रही है। ये जो स्तूप है, बताया जाता है कि अशोक के समय का ये स्तूप है, और ये स्तूप के अंदर भगवान बुद्ध के नखून या बाल कुछ रहे होंगे, क्योंकि जितने भी स्तूप हैं, या इनको बोले हम चैत्य बोलते हैं संस्कृत भाषा में, या इनको बोलते हैं चैत्य। चैत्य का मतलब होता है जहां जो गब्ब होता है,
यानी कि जो गर्भ होता है, चैत्य गर्भ, जिसके अंदर कोई ना कोई डिब्बी में या पत्थर में सामान रखा जाता है, तो इसको चैत्य धातु गप बोलते हैं। धातु जो बोलते हैं वो बोलते हैं अस्थि को या अवशेष को, यानी किसी जैसे बुद्ध के जितने भी अस्थि या अवशेष हैं उनको हम धातु के नाम से पाली में बोलते हैं। तो जो चैत्य है, चैत्य है, इसी से ये शब्द डेवलप हुआ, जिसको चेतती, चेतती का मतलब है समझाता है, और चेतती होते होते चेतिती हुआ, फिर चेतती हुआ, फिर चनेती हुआ, और फिर चनेटी हुआ। यानी जो शब्द आज का चनेटी है, बेसिकली ये चैत्य से या चैत्य से या चेतती से बना है। चेतती का मतलब समझाता है, पढ़ाता है, जो वहां भगवान बुद्ध पढ़ाते थे उसको चेतती बोलते हैं। चेतती से ये चनेटी शब्द बना हुआ है। अशोक ने इसको बनाया ऐसा इतिहासकार बताते हैं। बुद्ध के इसमें अवशेष हैं, धातु हैं, अब हैं या नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि ये गड्ढा जो आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें कुत्ता भी बैठा हुआ है, गड्ढा भी है। हमने यहाँ उस समय जो देखा था, यहाँ बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो आते हैं जाते हैं। आपके पास कभी अगर समय हो तो यमुनानगर में जाइए, ये यमुना से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है लगभग। हरियाणा के अंदर जो धम्म है, यानी हरियाणा का मतलब है हरियाणा, हरिये माने श्रेष्ठ हो गया, यान माने रास्ता हो गया, तो उससे हरियाणा बना हुआ है। हरियाणा के अंदर या हरियाणा के अंदर या हरियाणा के अंदर जो हरियाणा का मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है, उसके अंदर जो जगह है वहां बहुत सारे भगवान बुद्ध के धम्म के चिन्ह बिखरे पड़े हैं। धीरे धीरे सारे सारे आ रहे हैं जगह जगह, जैसे टोपरा के अंदर एक बहुत बड़ा धम्म चक्र बना है, अब धम्म लोग जागने लगे हैं। हरियाणा के में जो भाषा है और पाली भाषा है बहुत मैच करती है और बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि ड़े का जो यूज है हरियाणा में जो ड़े आता है, यान में जो ये आता है, ये सबसे ज्यादा यही यूज होता है, और ये पाली के अंदर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। आप किसी भी संडे सैटरडे को यमुनानगर आके इस चैत्य को देख सकते हैं, फोटो में हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद। Good time.
Time.